नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी द्वारा किए गए डिमांड के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच लाया गया। साथियों, आज के गाइडेंस क्लासेस में आप सभी को बताया जाना है कि यदि आप UPPCS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ में RO ARO प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए ताकि इन दोनों परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित हो सके, इसी के क्रम में साथियों आज आप सभी को ये गाइडेंस दिया जाना है कि किस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करें कि आप दोनों परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सके। तो आइए जानते हैं साथियों कैसे आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले यह ध्यान रखें कि आप सभी अवगत हैं कि UPPCS प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 24 अक्टूबर 2021 को है। जी हाँ, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्या है? 24 अक्टूबर 2021, जबकि RO ARO प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्या है? 5 दिसंबर 2021। ठीक है, अर्थात आप सभी के पास पर्याप्त समय है और किस प्रकार से इस पर्याप्त समय में आप सुनिश्चित रणनीति बनाएं, तैयारी के मार्ग को आगे बढ़ाएं कि न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करें बल्कि मुख्य परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करें और UPPCS इंटरव्यू में भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, हमेशा लक्ष्य की तरफ दृष्टिगत होकर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप सभी के सामने प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अतः मैं आप सभी को यही गाइडेंस दूंगी कि साथियों, आप इस समय दोनों परीक्षाओं के दृष्टिगत प्रारंभिक परीक्षा को फोकस करें, क्योंकि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में सफलता का जो आपका दर है वो भी सुनिश्चित हो जाता है। कैसे हो जाता है साथियों, ध्यान रखें, UPPCS यदि प्रारंभिक परीक्षा में आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हैं तो 100% सामान्य अध्ययन की जो फैक्ट हैं, जो विश्लेषण है, जिससे आपको UPPCS प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में टिक लगाना है, उसी चीज़ को आपको लिखना है मुख्य परीक्षा में। तो जब तैयारी करें तो ये सोच के करें कि यदि इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पूछा जाता है तो मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कॉन्सेप्ट बेस आप तैयारी करेंगे तो 100% साथियों UPPCS प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा की तैयारी में किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरी तरफ साथियों, ये ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा जो UPPCS का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस आपके प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का किस में है? RO ARO में है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अंतर इन दोनों परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो CSAT है जिसमें एक टॉपिक हिंदी का भी है, वो सारे टॉपिक लगभग आपके सामान्य हिंदी से कवर कर रहे हैं। तो आप सभी ये फोकस करें कि प्रत्येक दशा में आप इस समय RO ARO और UPPCS प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं उसको प्रत्येक दशा में 100% सही करेंगे, इस क्रम में आप तैयारी करेंगे। और जैसे ही साथियों आप प्रारंभिक परीक्षा, अर्थात किसकी प्रारंभिक परीक्षा, UPPCS प्री प्रारंभिक परीक्षा संपन्न आपका होता है, उसी के क्रम में आप क्या करेंगे, पर डे 4 घंटा मेंस के लिए अवश्य ही समय देंगे UPPCS मेन के लिए। अब बाकी जितना समय मिलता है उसको आप क्या करेंगे, RO ARO प्री के लिए देंगे। उसका कारण है साथियों, जब आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर लेंगे अभी से सामान्य अध्ययन की, तो सेम आपका सिलेबस में ये कवर टोटल हो जा रहा है फर्स्ट पेपर RO ARO का। इस प्रकार से आपको मात्र 4 से 5 घंटा RO ARO को फोकस कर रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता RO ARO ही निकालना है, तो मात्र 4-5 घंटा भी समय देते हैं सामान्य अध्ययन को तो आप क्लियर कर जाते हैं। क्यों, कैसे क्लियर कर जाते हैं? ऐसे क्लियर कर जाते हैं कि
क्योंकि साथियों जब आप सामान्य अध्ययन को UPPCS को 100% तैयारी कर लेंगे तो इस दौरान 4-5 घंटे में बस आपको रिवीजन करना होगा। और रिवीजन कैसे करेंगे ये ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा चुका है। आप में से बहुत सारे युवाओं द्वारा ये प्रश्न किया जा रहा है कि हाउ कैन दिस पॉसिबल कि इतने कम समय में इतनी सारी पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। तो साथियों मैं ऑलरेडी बोली थी आप सभी को कि प्रथम स्टडी के क्रम में ही आप सभी हाइलाइटर से अपने महत्वपूर्ण फैक्ट जिसे रिवीजन के दौरान पढ़ना होगा आपको उसको आप बोल्ड करें, हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें और जितने भी हाईलाइट बोल्ड अंडरलाइन किए हैं रिवीजन के क्रम में बस आप उनको ही दोहराइए। और सेकेंड रिवीजन में फिर से जो अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको फिर हाईलाइट करिए अलग कलर से। इसके क्रम में साथियों आप विश्वास नहीं करेंगे 3 से 4 और 5 घंटे में मोटी से मोटी किताब को भी आप पूरा समाप्त कर देते हैं। तो साथियों इस प्रक्रिया को यदि आप अपनाते हैं तो 100% सफल होंगे। ध्यान रखिए साथियों कि सफल वही होता है जो रणनीति के साथ तैयारी करता है। और ये भी आप देखेंगे रिजल्ट में मैक्सिमम जो हाई रैंक पर सफलता युवा प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं 1-2 परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं कई जगह वो पूर्व के सेवाओं में चयन हो चुके हैं। कई जो युवा होते हैं वो अपने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए तैयारी करते हैं। वो कैसे सफल हो जाते हैं इतने कम समय में, सेवा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी रैंक भी इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। वो इसलिए साथियों क्योंकि वो अपने पढ़े हुए किताब को ही बस रिवीजन करते हैं। वो अन्य जगह नहीं भागते हैं कि मुझे कोचिंग का नोट्स पढ़ना है, मुझे ये भी किताब पढ़ना है, मुझे वो भी किताब पढ़ना है। ऐसे ही कभी भी गलती ना करेंगे आप हमेशा स्तरीय पुस्तक का अध्ययन करेंगे और प्रथम रीडिंग के क्रम में ही अवश्य ही अंडरलाइन करेंगे। और जो भी आपका अंडरलाइन है उसको आप बार बार रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा और जितना ही कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंट हाई होगा और जितना ही कॉन्फिडेंट आपका हाई होगा उतना ही क्वेश्चन आपका सही होगा। तो साथियों ये तय आपको करना है कि कैसे आप इन दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त समय है और आप यदि स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 100% साथियों आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो साथियों आपको मैं फिर बताती हूँ सामान्य अध्ययन के लिए UPPCS के लिए जो सबसे उपयोगी कुछ किताबें मैं यहाँ पर फिर से आप सभी को रिवाइज करा देती हूँ। साथियों आप सभी अवगत हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के लिए जो भी मेरे द्वारा किताब बताया गया वो समान रूप से आपके UPPCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि UPPCS अर्थात लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लूसेंट का सामान्य ज्ञान वरदान है। ध्यान रखें लूसेंट का सामान्य ज्ञान वरदान है और जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो गीता है। इन द सेंस कि यदि आप लूसेंट के सामान्य ज्ञान और प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करते हैं तो लगभग आप 35 से 60% क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। और कभी कभी साथियों 65% क्वेश्चन की संभावना होती है कि इन्हीं से आपके पूछे जाते हैं। लेकिन आपको अतिरिक्त कहाँ कहाँ फोकस करना है ये भी ध्यान रखें। अभी कुछ रोज़ पहले मेरे द्वारा एक क्लासेस आप सभी को लिया गया जिसमें पार्ट 1 के क्रम में वे तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई गई कि कैसे आप पार्ट 1 के क्रम में तैयारी करें कि आप लगभग 70% क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि पार्ट 2 के क्रम में बताया गया कि यदि इसको आप पढ़ते हैं तो 100% क्वेश्चन आपका इन्हीं पार्ट 1 पार्ट 2 की किताबों से मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। तो साथियों यदि आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो अवश्य ही आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि 4 माह में किस प्रकार से समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। उस क्लास को ज़रूर आप अटेंड करें, देखें कि क्या क्या गाइडेंस मेरे द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराया गया। यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप अवश्य ही UPPCS प्रारंभिक परीक्षा आसानी से निकालेंगे। तो साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी जो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं वो अनिवार्य रूप से
प्रतियोगिता दर्पण की मासिक अवश्य पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, प्रतियोगिता दर्पण, वार्षिक नहीं मासिक प्रतियोगिता दर्पण बोल रही हूँ, और कम से कम आपको 1.5 वर्ष का पढ़ना है। ध्यान रखें, प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ेंगे तो आप न सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को सही करेंगे, बल्कि राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टेक, इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस सामान्य अध्ययन के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी आप साथियों सॉल्व करेंगे। तो आप अवश्य ही इस दृष्टिगत यदि तैयारी करते हैं रणनीति के साथ, तो 100% साथियों सफल होंगे ही होंगे। यहाँ पर पुनः उन सारी किताबों का नाम बताया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे द्वारा अपने कई क्लासेज में आप सभी को पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो आप अनिवार्य रूप से प्लेलिस्ट में वे पुस्तक देखें कि किस प्रकार से आप उन समस्त पुस्तकों का अध्ययन करके न सिर्फ आर ओ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बल्कि आप UPPCS प्रारंभिक परीक्षा भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में किसी भी प्रकार की भिन्नता प्रथम प्रश्न पत्र के क्रम में नहीं होती। जहाँ तक साथियों CSAT के संबंध में है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है, CSAT के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सामान्य प्रकार के पूछे जाते हैं, अतः सबसे पहले आप CSAT के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करें, चाहे वो IAS का हो या PCS का हो या अदर स्टेट के द्वारा पूछे गए CSAT के क्वेश्चन हैं। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये मान के चले कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो साथियों आप अवश्य ही अपनी रणनीति के क्रम में सबसे पहले फोकस करें UPPCS प्रारंभिक परीक्षा। जब आप UPPCS प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ये मान के चले आपका RO AR की तैयारी 100% हो चुकी है। यदि आप गंभीर हैं इन दोनों परीक्षाओं में सफलता के लिए, तो इस समय कुछ भी ना पढ़ें, बस आप सामान्य अध्ययन को टारगेट बनाइए और अपने CSAT और हिंदी के लिए, चूँकि CSAT में बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम नहीं करना, इसलिए इसके समय में 1 घंटा आप अवश्य ही सामान्य हिंदी को जरूर देंगे, क्योंकि न सिर्फ RO AR के द्वितीय प्रश्न पत्र की आपकी तैयारी अभी से होगी, बल्कि CSAT के एक टॉपिक की आपकी तैयारी अच्छी हो जा रही है, और साथ में इस सामान्य हिंदी की तैयारी के क्रम में आपके UPPCS मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी की भी तैयारी हो रही है, जिसमें से कुछ टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा में भी समायोजित है। तो साथियों आप इस समय UPPCS पर फोकस करें, पर्याप्त समय है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करेंगे, और ध्यान रखें 2 घंटा प्रत्येक दशा में आप जितनी भी किताब है, जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनका अवश्य रिवीजन करेंगे, क्योंकि फैक्ट से ही जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और यदि आपके फैक्ट सारे तैयार रहेंगे तो आप लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और साथियों मैं फिर आप सभी को कहूँगी, इस दौरान आप प्रीवियस पेपर अवश्य ही अच्छे से तैयार करिए, बार बार रिपीट करिए, किसी भी अन्य प्रैक्टिस सेट में टाइम अपना इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के बीच ला रही हूँ वो भी प्रीवियस ईयर के ही ला रहे हूँ, और वो इस दृष्टिगत ला रही हूँ कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी बेनिफिशियल है, जिसे आप सॉल्व करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में होंगे। तो साथियों आप अवश्य ही घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करें, क्योंकि उसमें न सिर्फ UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, RO AR प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, IAS, बल्कि अदर स्टेट की सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। तो साथियों यदि आप गंभीर हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो अवश्य ही इस रणनीति को अपनाइए। यदि मैं भी आप सभी के जगह पे होती तो 100% फ्रेंड्स वर्तमान में मैं अपनी स्ट्रेटजी टोटल, क्योंकि समय काफ़ी कम है, तो पूरा फोकस प्रारंभिक परीक्षा पे करती। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा खत्म होता उसी के क्रम में मुख्य परीक्षा के लिए समय निकालने के साथ साथ RO AR प्रारंभिक परीक्षा के लिए समय मैं निकालती, क्योंकि मेरा
UPPGS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के क्रम में RO/ARO की तैयारी कंप्लीट हो गई होती, ठीक है साथियों। तो आप अवश्य ही सफलता की इस रणनीति को अपनाएं साथियों। मैं भी इस रणनीति को अपनाई, मैं सफल हुई और टॉप भी की। आप भी कर सकते हैं, 100% आप कर सकते हैं। और इस दौरान अपने कॉन्फिडेंस को 100% बूस्टअप ज़रूर करिएगा। सुबह उठने के साथ कहिएगा, आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट दिन होने वाला है, आज के दिन मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ, आज के दिन मैं जो भी अपने टाइम टेबल को निर्धारित किया हूँ उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। और साथियों, जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन 5 मिनट यूज़ करेंगे तो उसका एक्शन आप देखेंगे कि किस प्रकार से उस एक्शन के क्रम में आप अपनी तैयारी को और भी एनर्जेटिक वे में ले जा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।